नमस्कार, मैं हूं अंजलि और आप देख रहे हैं भारत रफ्तार न्यूज। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की देश भर की कुछ खास खबरों से। आज 26 जुलाई 2021 को कारगिल युद्ध की 22वीं वर्षगांठ को विजय दिवस के रूप में देश भर में कारगिल युद्ध में अदम्य साहस का परिचय देते हुए विजय प्राप्त करने वाले सैनिकों को सच्ची श्रद्धांजलि दिए जाने के लिए कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। इसी क्रम में आज रविंद्र नाट्यशाला प्रदर्शनी मैदान बुलंदशहर में आयोजित कारगिल विजय दिवस के अवसर पर जिलाधिकारी रविंद्र कुमार ने कारगिल युद्ध में अपने प्राणों की आहुति देने वाले जनपद बुलंदशहर के निवासी शहीद सुरेंद्र सिंह, शहीद कंची सिंह, शहीद ऋषिपाल सिंह की प्रतिमा पर दीप प्रज्वलित कर एवं पुष्प अर्पित करते हुए तहे दिल से श्रद्धांजलि अर्पित की गई। इस अवसर पर उपस्थित पूर्व सैनिकों, सैनिकों के परिजनों एवं शहीद के परिजनों द्वारा भी श्रद्धांजलि अर्पित की गई। जिलाधिकारी द्वारा कारगिल युद्ध में भाग लेने वाले सैनिकों एवं शहीद सैनिकों के परिजनों को शॉल भेंट कर सम्मानित किया गया। इस अवसर पर जिलाधिकारी द्वारा संबोधित करते हुए कहा कि पाकिस्तान के द्वारा कारगिल युद्ध में हमारे देश कई चौकियों पर कब्जा किए जाने पर हमारे देश के वीर बहादुर सैनिकों ने अदम्य साहस एवं शौर्य का परिचय देते हुए 18,000 फीट की ऊंचाई पर लगभग 2 माह तक चले कारगिल युद्ध में आज के दिन ही विजय प्राप्त की थी। उन्होंने कहा कि कारगिल युद्ध में वीर सैनिकों की बहादुरी का इसी से अनुमान लगाया जा सकता है कि दुश्मन देश की सेना के कितनी ऊंचाई होने के बावजूद भी भारतीय सेना ने अदम्य साहस से जिस तरह नीचे से पहाड़ पर चढ़ाई करते हुए दुश्मन को खदेड़ कर अपनी चौकियां एवं जमीन को वापस अपने कब्जे में लिया, उस पर सभी को गर्व है। इस युद्ध में अपने प्राणों की आहुति देने वाले शहीदों को उन्होंने स्वयं जिला प्रशासन एवं जनपद बुलंदशहर के निवासियों की ओर से तहे दिल से सच्ची श्रद्धांजलि अर्पित की। उन्होंने कहा कि बुलंदशहर के कार्यालय के दौरान देश की सेवा करने वाले सैनिकों एवं देश के लिए शहीद हुए सैनिकों के परिजनों की समस्याओं को सुनकर उनका प्राथमिकता पर निस्तारण कराया गया है। उन्होंने अपील करते हुए कहा कि यदि किसी भी सैनिक एवं उनके परिजनों को कोई समस्या हो तो वह आए, उनकी समस्याओं का निस्तारण तत्परता से किया जाएगा। इस अवसर पर सिटी मजिस्ट्रेट जगदम्बा सिंह, जिला सैनिक कल्याण अधिकारी कैप्टन नौसेना अनिल कुमार शर्मा, कर्नल श्री अमर सिंह, मेजर हरबीर सिंह, कर्नल जीपी सिंह, लेफ्टिनेंट कर्नल यशवंत सिंह, 36 एनसीसी के कमांडिंग ऑफिसर कर्नल श्री अजय सिन्हा सहित भूतपूर्व सैनिक एवं सैनिक के परिजन उपस्थित रहे। बुलंदशहर से राशिद खान की रिपोर्ट। खबरों में अब तक के लिए बस इतना ही, मिलते हैं फिर किसी खास खबर के साथ। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक व शेयर करें और हाँ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को प्रेस करें।